नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल दोस्तों। आपके लिए एक बार और नई वीडियो लेकर आया हूँ। इस बार मैं आपको बताने वाला हूँ कैसे मैं अपने जुपिटर का माइलेज सेट करता हूँ बिल्कुल अच्छा एवरेज। ये मेरा जुपिटर है, इसका मैंने माइलेज सेट करा है, ये करीब मुझे 50 का एवरेज दे देता है, हाईवे पे 52-53 दे देता है। तो आपको मैं आपको बताने वाला हूँ इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कैसे करना पड़ेगा। और जैसे कि आप मेरे कपड़ों से देख रहे हैं कि अब सर्दी का मौसम आ गया है, सर्दी से बचना है तो दोस्तों आपको अच्छे कपड़े पहनना है, जैकेट पहनना है। कभी सर्दी से मजाक मत करना, ये मौसम आपके साथ मजाक कर जाएगा। और आपको मैं एक बात और बता दूं, कुछ लोग जो हैं सर्दी का मौसम शुरू होता नहीं है नहाते हैं नहीं, आप लोगों को नहाना है, बीमारी से दूर रहना है, वरना लोग आपसे भागने लगेंगे, आपके पास से बदबू आने लगेगी। ऐसा ना करें, रोज़ नहाएं, एक्सरसाइज करें, हेल्दी रहें और अपने आस पास खुशहाली बना कर रखें, लोगों को हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। और आपको मैं एक बात और बता दूं, आपके पास अगर जैसे कोई जानकारी है तो आप अगर किसी को बताते हैं तो उससे आपका ज्ञान कभी कम नहीं होगा। आप किसी को जानकारी देंगे, आपके पास जो है आप उसको दें, वो आपको देगा जानकारी, ऐसे ज्ञान जो है एक्सचेंज होता रहता है। और आइए आपको अब बताते हैं मैं जुपिटर का माइलेज कैसे सेट करता हूं। तो सबसे पहले आप लोगों को जो करना है वो ये चाबी यहां पर लगा कर इधर से ये सीट खोलनी है। इसमें ये मेरे बैंक की पासबुक है, इसमें 50 रुपये पड़े हुए हैं। और ये हम ये आप ये कैप देख रहे हैं सीट के नीचे कंपार्टमेंट में जहाँ पर हेलमेट रखा जाता है, यहाँ पर एक स्क्रू है, इसको आप खोल लेंगे। स्क्रू खोलने के बाद में आपको ये याद रखना है कि माइलेज सेट करने के लिए आपको उस साइड खड़ी होना है, राइट साइड खड़े होना है। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ इसमें कैसे मैंने माइलेज सेट किया है। तो इसको सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे, स्टार्ट करने के बाद में हमसे सबसे पहले काम करना है इसका RPM थोड़ा सा बढ़ा देंगे, इस वाले RPM वाले स्क्रू से थोड़ा सा बढ़ा देंगे। इसका RPM बढ़ गया है। अब इसके जो एयर फ्यूल मिक्सचर है इसकी हम ट्यूनिंग करना है, इसको पूरा हम इसको क्लोज कर देंगे, क्लॉकवाइज इसको मूव करेंगे, पूरा क्लोज कर देंगे। देखिए आपने यहाँ पर आके देखा कि स्कूटी बंद होने लगी, अब इसको पूरा ये बंद हो गया है, अब इसको वापस लेंगे एंटी क्लॉकवाइज। इसको देखिए जहाँ पर सबसे ज़्यादा RPM बढ़ेगा वहाँ पर एयर फ्यूल का रिच मिक्सचर जा रहा है, बिल्कुल अच्छा मिक्सचर जा रहा है। देखिए इधर एयर ज़्यादा जाने लगी, इधर एयर ज़्यादा जाने लगी। अब इसमें हम बीच में लेकर आएंगे, देखिए RPM आप देखें कहाँ पर बिल्कुल रिच आ रहा है, सबसे ज़्यादा RPM जहाँ पर होगा वहाँ पर हमारा एयर फ्यूल मिक्सचर बिल्कुल बराबर से जा रहा है और अच्छा जा रहा है। देखिए यहाँ देखिए आप शायद आवाज़ से सुन पा रहे हो, देखिए यह इस जगह पर है ना, तो हम इसको एंटी क्लॉकवाइज थोड़ा सा मूव करेंगे। यहाँ पर RPM बहुत अच्छा है, अब हमें यहाँ से RPM के स्क्रू से एंटी क्लॉकवाइज इसको मूव करके RPM कम कर देंगे। यहाँ पर हमारा माइलेज सबसे अच्छा सेट हो गया। और अगर आपको माइलेज अपना चेक करना है तो 1 लीटर फ्यूल खाली टंकी में डालकर आप उससे भी चेक कर सकते हैं। बाकी आप इसका जब स्पार्क प्लग निकालेंगे तो वो आपको थोड़ा वाइट या ब्राउनिश कलर में दिखाई देगा। देखिए RPM हम इतना सेट कर देंगे जितना कि स्कूटी बस स्टार्ट रहे, ना ज़्यादा कम, क्योंकि ये फिर भीड़ में बंद होने लगेगी। इतना मुझे लगता है इतना RPM सेट ठीक है, हाँ इतना ठीक है। इससे आपकी स्टार्टिंग भी बहुत अच्छी हो जाएगी, माइलेज बहुत अच्छा देगी। और बाकी आपको अगर माइलेज देखना है कि आपका कितना अच्छा दे रही है, अगर ब्लैक कलर का आपका स्पार्क प्लग निकलेगा तो इसका मतलब ये है कि आपका माइलेज बिल्कुल बिगड़ा हुआ है, एयर फ्यूल मिक्सचर बिल्कुल ख़राब है और ट्यूनिंग आपकी बिगड़ी हुई है। इससे आपका इंजन भी अच्छा रहेगा और आपका माइलेज भी बहुत अच्छा देगा। थैंक यू।